जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल होने ही होती है कामयाबी, जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु राठौर एंड यूर वॉचिंग कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल। बात करें आज के वीडियो में, तो आप लोगों के जो है काफ़ी सारे कमेंट कॉल मैसेज मेरे पास आ रहे थे कि भैया हॉस्टल रिगार्डिंग आप कुछ बताइए, जिससे कि हमें एडमिशन यानी कि कोटा में पढ़ने के साथ साथ रहने की जो हमें समस्या आ रही है उसका भी सोल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाए। तो आप लोगों के इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म होने वाली, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं आपको कोटा शहर में, यदि आप एलन में आ रहे हैं जेई की प्रिपरेशन करने के लिए, तो जो राजीव गांधी वाला जो एरिया पड़ता है, राजीव गांधी नगर, ठीक है, इसके अलावा जो है इंदिरा विहार, इसके अलावा तलमंडी, इसके अलावा जवान नगर, जवान नगर में एलन के जो नीट के बच्चे हैं वो आते हैं, फर्स्ट फेज यहीं पर लगने वाला है। इसके अलावा रोड नंबर एक जहाँ पर एलन की रिलायबल पड़ेगी, इसके अलावा आकाश पड़ेगी, इसके अलावा जो है रिलायबल होगी, करियर पॉइंट होगी, ठीक है, और भी कई तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट इस रोड पर आती है, ठीक है, मोशन भी आती है, मोशन का द्रोणा कैंपस इस रोड पर। तो रोड नंबर एक हो गया। रोड नंबर दो की बात करें जहाँ की, जहाँ पर जो है वाइब्रेंट लगती है, ठीक है, इसके अलावा अनअकेडमी लगती है, इसके अलावा इटूज लगती है, इसके अलावा PWQ आइजेक बिल्डिंग जिसको कि रामानुजन टावर कहते हैं वो भी इसमें पड़ती है। तो रोड नंबर दो, इसके अलावा रोड नंबर तीन जहाँ पर रेजोनेंस और PW का मेन सेंटर आता है। तो यानी कि रोड नंबर एक, रोड नंबर दो, रोड नंबर तीन, इसके अलावा जो है जवान नगर, तलवंडी, और इसके अलावा जो है राजीव गांधी नगर के साथ साथ जो है इंदिरा विहार, जहाँ पर मोशन का हेड ऑफिस भी इंदिरा विहार। तो ये सारी लोकेशन जो है, इस लोकेशन को कवर करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि 2023-24 की प्रिपरेशन के लिए यदि आप आ रहे हैं और आपको हॉस्टल, PG फ्लैट वगैरह चाहिए तो किस रेंज में क्या कुछ रहने वाला है इस बार के माहौल को देखते हुए। तो वीडियो को शुरू करते हैं, उसके पहले आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कोटा जानकारी का आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, लिंक मिलेगा, जिसके माध्यम से यदि आपको हमसे कोटा में हॉस्टल रिगार्डिंग, PG फ्लैट रिगार्डिंग आपको यदि हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, ठीक है, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी, जिससे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है हॉस्टल, PG फ्लैट वगैरह सर्च करने में, वो हम आपको उसमें जो है आपको सर्च करने में, आपको अपने हॉस्टल वगैरह को प्रोवाइड करवाने में हम आपकी मदद करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के गूगल फॉर्म को आप लोग फिल कीजिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले एलन का जेई वाला सेंटर। तो एलन का जेई वाला जो सेंटर है वो कोटा में पड़ता है, राजीव गांधी नगर में, ठीक है। तो राजीव गांधी नगर में जो है एलन के जेई के सारे कैंपस है, जिसमें एलन की मेन बिल्डिंग जिसको संकल्प बिल्डिंग कहते हैं, इसके अलावा साफल्य हो गई, ठीक है, इसके अलावा सबल हो गई, इसके अलावा समर्थ हो गई, और भी चार पांच प्रकार की बिल्डिंग है जो कि इस वाले एरिया में रहते हैं। तो इस वाले एरिया में यदि आपको हॉस्टल चाहिए तो क्या रेंज रहने वाला है, और आपको PG चाहिए तो क्या रेंज में रहने वाला है, और आपको फ्लैट चाहिए तो क्या रेंज में रहने वाला है। तो एक तरह से देखा जाए तो रश वाला जो इलाका है ये काफ़ी रश वाला इलाका है, क्योंकि एलन के सारे जेई के बच्चे इसमें आते हैं। तो यहाँ पर जो है राजीव गांधी में यदि आप ट्राई करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है 95% तो राजीव गांधी वाले, इस ओल्ड राजीव गांधी वाले एरिया में जो आपको यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, हॉस्टल हॉस्टल मिलेंगे। PG मिलने के चांसेस जो है वो आपको 5% ही मिलते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, लगभग लगभग हॉस्टल के बजट में वो आ जाते हैं। तो हॉस्टल की बात करते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल यदि बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको राजीव गांधी वाले इलाके में 8% टाइम पर 12,000 से कम हॉस्टल मिलना मुश्किल है। बॉयज़ को 12,000 से कम आपको हॉस्टल मिलना इस बार तो मुश्किल है, और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स जो है 14-15,000 से कम ही आपको मुश्किल से, मतलब 14-15,000 के ऊपर ही गर्ल्स हॉस्टल इस राजीव गांधी नगर वाले इलाके में पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना एरिया जो एलन की बिल्डिंग के काफ़ी क्लोज होता है, नियर बाय होता है। लेकिन यदि आपको 12,000 के कम बजट वगैरह चाहिए तो इस वाले एरिया के जस्ट पास में जो है मावी नगर फर्स्ट वाला एरिया पड़ता है। इस मावी नगर वाले फर्स्ट एरिया में जो है आपको PG भी मिलेंगे, आपको फ्लैट्स भी मिलेंगे, इसके अलावा आपको हॉस्टल भी मिलेंगे। तो हॉस्टल की बात करें तो 12,000 रुपये तक आपको 10-12,000 रुपये में गर्ल्स हॉस्टल भी मिल सकता है और बॉयज़ हॉस्टल भी मिल सकता है। और PG बात करें तो PG जो है 4,000 रुपये से 6,000 रुपये तक PG वगैरह मिल जाएगा। इसमें आप फूड वगैरह एक्स्ट्रा लेते हैं तो 3,500 का फूड हो गया, सपोज़ करिए 4,000 में आपको रूम मिल गया, 3,500 में आपको खाना मिल गया, तो 7,500-8,000 रुपये में आपका पूरा ही महीने का बैलेंस बैठ जाएगा। और आपको यदि 6,000 वाला रूम पसंद आता है और आप 3,500 का खाना लेते हैं तो लगभग 9,500-10,000 रुपये में आपका पूरा महीने का बैलेंस इसमें हो सकता है। तो इस प्रकार से 8,000 से 10,000 और 12,000 के बीच का जो बैलेंस है आपको बिठाना है तो वो आपको इस वाले एरिया में मिल जाएगा। फ्लैट्स की बात करें तो इस मावी नगर वाले इलाके में, मावी नगर फर्स्ट वाले इलाके में आपको फ्लैट्स तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी रेट जो है ना वो 8% टाइम पर जो है 13-14,000 के ऊपर रहने वाली है, सिंगल 1 BHK की यदि बात करते हैं। तो राजीव गांधी की एलन वाली जो लोकेशन मैंने आपको बताई है जेई वाली, इसके ठीक सामने एक और एरिया पड़ता है, इसको मावी नगर सेकंड कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा PG वगैरह मिलते हैं जो बच्चे जेई की प्रिपरेशन एलन की तरफ से करते हैं उनके लिए। तो 8% टाइम पर वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत वगैरह है, क्योंकि पुराना बच्चा कोटा में ये वो गया नहीं है, तो इस वजह से जो है वहाँ पर थोड़ा सा अभी दिक्कत आ रही है। लेकिन जैसे ही एडवांस का पेपर हो जाएगा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
जो स्पेस बनेगा, यानी कि जो अप्रैल में बच्चे आएंगे, फर्स्ट बैच वाले जो बच्चे अप्रैल में आएंगे, तब तक जो है एडवांस का बच्चा चला जाएगा, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है स्पेस बन सकता है। ठीक है, तो उसी के पास में महावीरनगर थर्ड भी पड़ता है, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको और भी, मतलब एक तरह से मान के सकते हैं आप, महावीरनगर थर्ड में आपको दूर पड़ेगा लेकिन आपको और सस्ता में मिल जाएगा, 8 से 9 हज़ार रुपये में आपको पूरा वहाँ पर महीने का बैलेंस पड़ जाएगा। अब बात करते हैं जवान नगर की, तो जवान नगर में नीट का बच्चा आता है। इस बार जो है एलन ने फर्स्ट फेज का जो बच्चा, एक तरह से बच्चे को जो क्लासरूम प्रोवाइड कराए वो जवान नगर में करवाए हैं। तो जवान नगर में बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर कम से कम मान के चलो 10 हज़ार से ऊपर ही आपको बॉयज़ हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, एट प्रेजेंट टाइम पर ठीक रेट है यहाँ पर, 10 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। गर्ल्स की बात करें तो 12 हज़ार के ऊपर आपको यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल मिलेगा। फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स जो है 15 हज़ार के ऊपर मिलेगा। जवान नगर की जो बिल्डिंग है, जिसको सम्मान तो सत्यार्थ कहते हैं, उसके पास में ही तलवंडी वाली लोकेशन भी पड़ती है। तलवंडी वाली लोकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा पीजी वगैरह होते हैं, तो पीजी में जो बैलेंस बैठता है महीने का, वो 8 से 10 हज़ार रुपये बैठ जाता है। अब बात करें रोड नंबर 1 की, जिसमें कि आकाश बिल्डिंग भी आती है, मोशन का द्रोणा कैंपस भी आता है, एलन का रिलायबल वाला टावर भी आता है, रिलायबल कॉसिंग भी आती है। तो यहाँ पर जो है पीजी मिलना उस वाली लोकेशन में काफ़ी मुश्किल है। ठीक है, लेकिन इस वाली लोकेशन में क्या है, सबसे पास में जो एरिया पड़ता है वो पड़ता है उधर की साइड, जिसको कहते हैं गांधी कॉलोनी। तो गांधी कॉलोनी में बच्चा जाता है तो वहाँ पर पीजी उसको काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीजी जो है वो लगभग 7-8 हज़ार रुपये में भी इस बार मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है नॉर्मल जो है ना, वहाँ पर एरिया होता है नॉर्मल एरिया की वजह से जो है 7-8 हज़ार रुपये में पूरे महीने का बैलेंस बैठ जाता है। 3-3 हज़ार रुपये में रूम मिल जाते हैं, 3.5 हज़ार रुपये का खाना हो गया, 500 रुपये का दूसरा खर्चा होगा लाइट बिजली का, ऐसे करके 7 हज़ार में उसका बैलेंस बैठ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पीजी का काम। अब बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल जो है वहाँ पर काफ़ी महंगे महंगे हैं, क्योंकि वो वाला जो एरिया आता है वो इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर एट प्रेजेंट टाइम पर हॉस्टल की बात करें तो 12-13-14 हज़ार के ऊपर तो बॉयज़ हॉस्टल मानो, और गर्ल्स हॉस्टल की बात करें तो 15 हज़ार से कम कोई भी गर्ल्स हॉस्टल उस वाले एरिया की 1 किलोमीटर वाले एरिया में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वाले एरिया के पास जो दूसरा एरिया पड़ता है वो पड़ता है राजीव गांधी, न्यू राजीव गांधी नगर। वहाँ पर यदि गर्ल्स की बात की जाती है तो गर्ल्स हॉस्टल वहाँ पर मिल तो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी 15 हज़ार के ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो जो राजीव गांधी का जो न्यू एरिया है वो एकदम नया बना है, जहाँ पर अच्छे अच्छे हॉस्टल मिलेंगे, यानी कि 15 हज़ार के ऊपर वहाँ बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल मिलेंगे, और बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो 12 हज़ार के ऊपर ही वहाँ पर बॉयज़ हॉस्टल मिलेंगे। अब बात करते हैं रोड नंबर दो, जहाँ पर अनअकैडमी, वाइब्रेंट, इसके अलावा आईजेक बिल्डिंग, इसके अलावा PW की आईजेक टावर वाली जो रामानुजन बिल्डिंग है वो, और E2's इंडिया, तो ये वाले जो सेंटर है इसके पास में तो पीजी मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। हॉस्टल मिलेंगे जो कि 15-16-17 हज़ार के ऊपर मिलेंगे, क्योंकि वो सबसे महंगा एरिया है। और इसी के पास में जो रोड नंबर 3 पड़ता है, जहाँ पर रेजोनेंस बिल्डिंग पड़ती है, इसके अलावा जो है PW का मेन सेंटर, जिसको कि क्या कहते हैं आर्यभट्ट टावर, तो यहाँ पर भी पीजी मिलना मुश्किल है। गर्ल्स हॉस्टल यदि यहाँ पर मिलते हैं वो भी 15-16-17 हज़ार के ऊपर मिलेंगे। बॉयज़ हॉस्टल की बात करें तो भी यहाँ पर जो है 16 हज़ार के ऊपर मिलेंगे। तो यदि आपको अपना बैलेंस बनाना है, यानी कि रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, यदि आपकी यहाँ पर कई क्लासेस वगैरह लगती हैं, यहाँ पर से किसी ना किसी कोचिंग में आपका एडमिशन है, तो आपको अपने एवरेज बजट में कुछ देखना है, तो इस कंडीशन में आप जो है, एक तो महावीरनगर फर्स्ट वहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर में सारी कोचिंग कवर कर देगा महावीरनगर फर्स्ट में, ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ पीजी मिल सकता है, आपको हॉस्टल मिल सकता है प्रीमियम कम से कम बजट में 10 हज़ार के आसपास, और आपको जो है वहाँ पर फ्लैट्स भी मिल जाएंगे। और रोड नंबर 1 के सामने सुवालका की बिल्डिंग पड़ती है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स है, लेकिन फ्लैट्स की जो 8% टाइम पर रेट है वो लगभग 20 हज़ार रुपये है, यानी कि 18-20 हज़ार से कम आपको वहाँ पर 1 BHK फ्लैट भी नहीं मिलेगा। तो इस बार जो है हॉस्टल, पीजी, फ्लैट्स वगैरह वो काफ़ी महंगे हो चुके हैं। इस सेशन के पहले जो सेशन था, यानी कि 2022 के पहले का जो, मतलब इस वाले इलाके में जो PW की जब कोचिंग आई थी, उसके पहले यहाँ पर जो है 8 हज़ार रुपये में बहुत अच्छे सब कुछ मिल जाता था रहने का, तो 8 हज़ार वाली चीज़ जो है अब 12 हज़ार की हो चुकी है, यानी कि लगभग 50% का जो है ना यहाँ पर रेट बढ़ने का जो रेशो है वो देखने को मिलता है। तो ये वाली कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कोटा का लिंक है, जिसमें आप हॉस्टल रिगार्डिंग आपको कोई गाइडेंस वगैरह हमसे चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए, तो आप वो फिल कर सकते हैं। साथ में आपको कोचिंग रिगार्डिंग, कोचिंग एडमिशन लेने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो भी आप इसको भर सकते हैं। स्कूल लेने में भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, स्कूल नहीं मिल रहा आपको कोटाश्वर में, तो भी आप इसको भर सकते हैं। यानी कि कोचिंग, हॉस्टल और स्कूल, इन तीनों में से किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आप इस गूगल फॉर्म को भरिए, हमारी टीम जो है हम लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको हॉस्टल रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है कि किस कोचिंग के पास में क्या सीन रहने वाला है। तो राजीव गांधी नगर का जो इलाका, इसमें ही मोशन का जो मेन कैंपस है, कॉर्पोरेट ऑफिस जिसको कहते हैं,
जे भी आता है तो इसमें भी वही कंडीशन लागू होती है जो कि एलन की जेई वाली ब्रांच के लिए लागू होती है। तो इस प्रकार से रोड नंबर 1, रोड नंबर 2, रोड नंबर 3, मावी नगर फर्स्ट, मावी नगर सेकंड, राजीव गांधी नगर, इंदिरा विहार, ठीक है, तलवंडी, जवान नगर, ये वाला एरिया मैंने कवर कर दिया है। अब बचता है एलन का जो है लैंडमार्क सिटी वाला इलाका और उसके अलावा कोरल पार्क वाला इलाका। तो लैंडमार्क सिटी और कोरल पार्क वाले इलाके के लिए मैं जो है अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वहाँ पर किस प्रकार की कंडीशन अभी चल रही है और अप्रैल मई में क्या कुछ कंडीशन रहने वाली है रेंट की वहाँ पे पीजी फ्लैट और हॉस्टल्स के रिगार्डिंग, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल। तो दोस्तों कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन और आपको किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं। आपका टॉपिक हमें अच्छा लगता है और वाकई में वो डिमांडिंग टॉपिक है, ज़्यादा कमेंट्स उस पर आते हैं उस टॉपिक को लेकर, तो हम डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।